वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज लेके आई हूँ आपके लिए झालमुड़ी की रेसिपी। वैसे तो बहुत तरह से बनती है, ये मेरे घर की रेसिपी है। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही मेरी रेसिपीज अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट भी जरूर करें। तो झाल मूढ़ी के लिए मैंने लिया है 2 कप मूढ़ी, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटा टमाटर कटा हुआ, 1/2 इंच अदरक रफली कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया काटकर, 1 उबला हुआ आलू जिसको आधा काट लिया मैंने, आधा मैश कर लिया है, और लिया है मैंने मिक्सचर और बीकानेरी भुजिया। ये आपके ऊपर है, आप प्लेन भुजिया भी ले सकते हो। 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सरसों तेल, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ी सी मूंगफली, काला नमक थोड़ा सा, और कटा हुआ फ्रेश नारियल। तो सबसे पहले हम मूढ़ी के अंदर डाल देंगे नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, सरसों का तेल, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, आलू, मूंगफली, ये रोस्टेड मूंगफली है। अब हम डाल देंगे हमारा मिक्सचर या चनाचूर, नींबू का रस, और अब हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसमें भिगोए हुए चने या फिर भुने हुए चने भी डाल सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो नींबू की जगह इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिला लेंगे और फिर सर्व करेंगे हमारी झालमुड़ी भुजिया और नारियल से गार्निश करके। बहुत सिंपल है पर बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनुज क्विक रेसिपीज के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।